स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पेयर में। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी एसीओ पे बर्फ़ क्यों जमता है। हमारी एसी की जो पाइप होती है गाइज, उसमें बर्फ़ कैसे जम जाती है, क्या वजह है जो बर्फ़ जमने की। अधिकतर लोगों के मन में एक ही शंका है कि अगर आपकी एसी में बर्फ़ जम रहा है या हमारी एसी में बर्फ़ जम रहा है तो कहीं इसकी गैस यहाँ से लीक हो रही है या इसकी गैस ख़त्म हो गई है इसलिए इसमें बर्फ़ जम रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्रिज में भी हमारे बर्फ़ जमता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि फ्रिज में गैस ख़त्म हो गई है। तो अब आप कहोगे कि एसी में कभी कभी बर्फ़ जमता है। हाँ, ऐसा होता है कि एसी में कभी कभी बर्फ़ जमता है, वो उसके कुछ कारण है। हमेशा गैस की समस्या नहीं है, गैस उन कारणों में से है जिनमें से बहुत सारी समस्याओं में से गैस भी एक कारण है जिसकी वजह से एसी के पाइपों पे बर्फ़ जमता है, चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट हो। तो चलिए बात करते हैं कि किन वजहों से एसी के पाइपों पे बर्फ़ जमता है। तो सबसे पहला कारण तो जो कि नॉर्मली बहुत से लोगों को पता ही होता है कि गैस है, जब एसी में गैस कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमारे एसीओ के पाइपों पे बर्फ़ जमता है। अगर स्प्लिट एसी है तो उसके आउटडोर यूनिट पे आप बर्फ़ देख सकते हो, क्योंकि इंडोर यूनिट पे बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं बर्फ़ जम रहा है नहीं जम रहा है, क्योंकि आउटडोर यूनिट पे ज़्यादातर लोगों की नज़र पड़ती है। लेकिन उसके इंडोर यूनिट पे भी जब बर्फ़ जम रहा होता है, जब उसके आउटडोर यूनिट पर बर्फ़ जमता है, लेकिन इंडोर यूनिट का बर्फ़ आपको कोयल को खोल जब आप आगे का ढक्कन देखोगे तो कोयल खोलने पर आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके इंडोर यूनिट पर बर्फ़ जम रहा है। अगर वहीं हम विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी की जब लोग जाली सोचते हैं कि जाली साफ करके देखूं तो उसी टाइम उनको दिख जाता है कि हाँ, यहाँ पे बर्फ़ जम रहा है। तो गैस की वजह से भी बर्फ़ जमता है। और दूसरा मैटर ये भी है कि अगर आपकी एसी में बर्फ़ जम रहा है तो आपकी सर्विस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बर्फ़ जम रहा है। लेकिन सर्विस का क्या हिसाब किताब है कि आपकी एसी में बर्फ़ जम रहा है और काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ जमने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ बर्फ़ पिघल जाता है। जैसे 5 मिनट चलने के बाद, 7 मिनट चलने के बाद अगर आपकी एसी का बर्फ़ पिघल जाता है तो उस सिचुएशन में आपकी एसी में गैस की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सर्विस की प्रॉब्लम है। सर्विस कर दो, ओके हो जाएगी आपकी एसी। लेकिन कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सर्विस करने के बाद भी थोड़ी देर बर्फ़ जमता है, उसके बाद हटता है, तो उससे भी आपकी एसी में कोई समस्या नहीं है, एकदम ओके चलाते रहिए, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये टॉपिक आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज ही मैं एक कस्टमर के पास गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एसी में गैस की प्रॉब्लम है। फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी एसी में गैस की प्रॉब्लम है, आप आके गैस डाल दें। जब मैं उनके पास गया तो उनकी एसी में गैस का प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा सर जी सर्विस की प्रॉब्लम है, इसको सर्विस कर दो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो उन्होंने कहा, मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसके अंदर बर्फ़ जमी रहती रेगुलर, अगर इसके अंदर बर्फ़ जमी रहती, वो बर्फ़ नहीं हटती है और धीरे धीरे वो बर्फ़ और हार्ड हो जाती तो इसके अंदर गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन वो बर्फ़ हट थोड़ी देर के लिए जमती है, उसके बाद वो बर्फ़ धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है और ऑटोमेटिक पिघल जाती, ख़त्म हो जाती, तो उसमें आपकी एसी में गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं वजह से हमारी एसी में बर्फ़ जमती है। नंबर वन तो हमारे गैस की, और नॉर्मली सभी को पता होती है, लेकिन कई बार लोग इस बात को भी लेकर चिंतित रहते हैं कि बर्फ़ जमने लग गई, अब हम क्या करें, इसमें गैस का खर्चा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर आपकी एसी में सर्विस का भी प्रॉब्लम होता है तो इस सिचुएशन में गैस बर्फ़ जम सकता है। लेकिन अब आप कैसे पता करोगे कि इसके अंदर सर्विस की प्रॉब्लम है इसलिए बर्फ़ जम रहा है या गैस की प्रॉब्लम है इसलिए बर्फ़ जम रहा है? बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर बर्फ़ हमारे पिघल जाता है तो समझ लीजिए उसमें गैस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर बर्फ़ नहीं पिघलता है तो समझ लीजिए उसके अंदर गैस की प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कंप्रेसर ट्रिप मार जाता है और कंप्रेसर ट्रिप मारने के बाद वो बर्फ़ पिघल जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ने तो बताया था कि अगर आपकी एसी का बर्फ़ पिघल जाए तो समझ लीजिए गैस की प्रॉब्लम नहीं है। कंप्रेसर ट्रिप मार जाएगा तो ऑटोमेटिक पिघल ही जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर चलता है जब भी उसमें बर्फ़ जमती है। अगर चलने के दौरान, जैसे 5 मिनट चल रहा है और उस दौरान, या 3 मिनट 4 मिनट आपकी एसी चल रही है उस दौरान बर्फ़ जमा, और बर्फ़ जमने के बाद आपकी एसी का कंप्रेसर ट्रिप मार गया तो ऑटोमेटिक बर्फ़ पिघल जाएगा, तो उस सिचुएशन में भी गैस की ही प्रॉब्लम है। लेकिन अब मान लो कि कैसे पता चलेगा इसके अंदर सर्विस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको अपनी एसी के कोइल को चेक करना पड़ेगा, कूलिंग कैसी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कूलिंग कैसी आ रही है। अगर कूलिंग उसके अंदर बढ़िया आ रही है, अब बर्फ़ जम भी रहा है, तो समझ लीजिए उसके अंदर गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है।